अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मंसूर अली अब्बासी। दोस्तों आज हमारे प्यारे नईम भाई और जो कि कराची डिवीज़न के सदर भी है बाकी साथ के दोस्तों, उनकी नई इमारत जमजमा होटल की इफ्तदाई तकरीब है, जिनके खुसूसी मेहमान जनाब डॉक्टर शफकत अब्बासी साहब हैं। दोस्तों दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनकी रोज़ी में कारोबार में बरकत और तरक्की अता फरमाए, आमीन। बर्दाश्त किए जो अपने खानदान को सेट करने के लिए, अपने बच्चे
बच्चों के लिए, तो वो वही बयान कर सकते हो कहते हैं जिन पर वो तकलीफें गुजरी हो। तो मेरे वालिद साहब ने ना सिर्फ अपनी दाद के लिए बल्कि मेरे यहाँ बहुत से मेरे अजीजों कारण बैठे हैं तो वो सब जानते हैं, लांगा बैठे हैं यहाँ, कि इन्होंने सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, इन्होंने अपने पूरे खानदान के लिए, अपने इलाका के लिए, जितनी इसके अलावा इंसानियत के लिए इन्होंने कुर्बानियाँ भी दी, खिदमत भी की। कभी कोई इनके पास आया तो इन्होंने उससे मायूस नहीं किया किसी हवाले से भी, चाहे वो सुबह हो शाम हो या हर वक्त लोगों के काम आने वाले इंसान थे। तो आज मैं बड़ा खुश भी हूँ और कि आज अल्लाह पाक ने हमें नेमत से नवाजा है कि अल्लाह की अता करता है, हमारी इसमें कोई कामयाब हो नहीं है कि मैं नहीं जाऊँ। मेरे दोस्तों की, मेरे अजीज़ों अतारत की, मेरे पीर मुर्शिद की ये दुआएँ, अल्लाह पाक ने इन सब की दुआओं की बदौलत आज हमें ये तोहफे के तौर पर होटल हमें अता की है। क्योंकि गुज़श्त 35 साल से हम किराए और इस तरह के मामला में थे होटल से, तो आज अल्लाह पाक ने हमें अपनी दाती होटल से नवाजा है। आज की जो हमारी खुशी है इसमें मेरे वालिद साहब मौजूद हैं और मेरे कायद मेरे मोहसिन साबिक एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सिंध, डायरेक्टर है पीसी और साबिक, और अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया इंटरनेशनल के सदर अमली सदर डॉक्टर शफकत अब्बासी साहब मौजूद हैं, हमारे FDF के सिंध के सदर और अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया पाकिस्तान के मरकजी जनरल सेक्रेटरी सरदार बाबर अब्बासी साहब यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर KDA रफीक अब्बासी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, साबिक जनरल सेक्रेटरी जो है अंजुमन के। इसके अलावा हमारे साथ हमारे हर वक्त हमारे शाना बशाना खड़े होने वाले हमारे दुख दर्द में हमारे साथ हमारे वालिद के भाइयों की तरह इन्होंने हमेशा साथ दिया है, मनोज इताद तेरी के तेर में जनाब आबिद गुलरी साहब यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा मेरे काफ़ी हजरात जो मेरे दोस्त हैं बाप मेरे अजीजों का अकारब यहाँ मौजूद हैं, और जितने मेरे यहाँ पे काफ़ी मेरे हमारे कस्टमर हजरात भी हैं मेरे इलाका यहाँ पे, जो कोई बोलना कि हमारे काफ़ी दोस्त यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ एक दावत इस्लामी के साई सीनियर रियाज कादरी साहब के बिल्कुल उनके करीबी साथियों में से हाजी यूसुफ साहब यहाँ मौजूद हैं। तो मैं तमाम अपना अहबाब का मशहूर हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारी खुशी में शरीक हुए। मुसलमानों की तजारत में अल्लाह ताला बरकत और तरक्की नसीब करता है। एक
लेकिन इनकी बीमारी बड़ी है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह की रहमत इनकी बीमारी से ज्यादा बड़ी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने फजल व करम से हमारे आदमी साहब को सेहत कामला आजला नसीब फरमाए, और जितने मुसलमान बीमार हैं अल्लाह ताला सबको सेहत कामला आजला नसीब फरमाए। जिंदा मिसाल है कि मेहनत में अजमत है। इन्होंने मेहनत की और अल्लाह ताला ने इस मकाम तक पहुंचाया। अल्लाह ताला इनके कारोबार में मजीद बरकत नसीब फरमाए, इनकी औलाद में बरकत नसीब फरमाए, इनके दोस्तों बुजुर्गों में बरकत नसीब फरमाए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और जमात नसीब फरमाए। अमल करो पाकीज़ा चीज़ दिखाओ, नेक अमल करो, तुम्हारे तमाम आमाल अल्लाह के यहाँ मकबूल होंगे। या अय्युहल लज़ीना आमनू क़ुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालो जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुम्हें दी हैं उन्हीं में से खाओ। हम जो मेहनत मजदूरी करते हैं वो पसीना बहाते हैं ना, ये पाकीज़ा है और इनमें अल्लाह ने बरकत दी। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला जो साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह ताला